रुचि भरानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, ये आप स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं, पार्टी एपेटाइजर के जैसे सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या सिर्फ डिनर के लिए बना सकते हैं। आई एम श्योर सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही अवेलेबल होंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट रेडी विद द रेसिपी फॉर पनीर कीमा पाव। शुरू करते हैं बाय हीटिंग सम बटर इन द पैन। पैन जो थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून बटर। इसके साथ मैं 2 या 3 बूंद 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल भी डालूंगी ताकि बटर जल न जाए। नेक्स्ट इसमें जाएगा जीरा, 1 टीस्पून जीरा। क्यूबन सीड्स को अच्छी तरह सॉटे कर ले और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कैश्यू नट्स। कैश्यू नट हल्के ब्राउन हो जाए या गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे 1 अनियन फाइनली चॉप्ड। ऑल्सो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम को 1/2 इंच के पीसेस में कट कर दिया है तो वो भी हम साथ में ही डाल देंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को 1 मिनट तक सॉटे कर ले। हमें अनियंस को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट। आफ्टर 1 मिनट इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर फाइनली ग्रेटेड एंड 4 ग्रीन चिलीज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, फाइनली चॉप्ड है। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, 8 to 10 फ्रेंच बीन्स मैंने लिया हुआ है, 1 कैरेट फाइनली चॉप्ड। सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक चॉप कर ले ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। वेजिटेबल्स को 1 मिनट तक सॉटे कर ले और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर जिसे मैंने सीड्स निकाल के चॉप कर लिया है। ऑल्सो इसके साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक ताकि सारे वेजिटेबल्स अच्छे से और जल्दी से कुक हो जाए। मिक्स करके हम इसे कवर कर देते हैं और इसे स्लो फ्लेम तक कुक करते हैं जब तक वेजिटेबल्स हाफ कुक नहीं हो जाए। बीच में एक बार वेजिटेबल्स को स्टर कर ले, चप्पल के वेजिटेबल्स कुक होते हैं थोड़ी और प्रेप कर लेते हैं। सो आई हैव 2 पाव्स ओवर हियर, यहाँ पे मैंने 2 पाव लिए हैं, आप क्वार्टर बंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टैगर के जैसे सर्व करना है तो आप मिनी पाव या मिनी क्वार्टर बंस भी ले सकते हैं। सो पाव को सेपरेट कर ले। हम पाव को 2 पीसेस में कट कर लेते हैं। और अब इस ब्रेड को हम हल्के से मेल्टेड बटर से कोट कर लेते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ बटर। सो पाव रेडी है बटर लगा के और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड ओवन में। और एक बार हम वेजिटेबल्स को भी स्टर कर लेते हैं। वेजिटेबल्स लुक लाइक दे आर हाफ डन और अब हम इसमें डालते हैं 2 टमाटर की प्यूरी। सो 2 टमेटोज बॉइल्ड चर्न एंड प्यूरी। सो इसमें मैंने डाल दिया है 2 टमेटोज बॉइल्ड चर्न एंड स्ट्रीम। तो ऐसे मैं बनाती हूँ टमाटर की प्यूरी एंड नाउ लेट दिस प्यूरी कुक टिल इट नाइसली ड्राइज आउट। सो टमाटर की प्यूरी कुक हो रही है, उसके साथ में सारे सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी अच्छे से ड्राई हो गई है, इसमें डाल देते हैं ग्रेटेड पनीर।
मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर ले लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे डाल देते हैं इसमें। साथ में 2 चम्मच फाइनली चॉप्ड कोथमीर और कोरिएंडर लीव्स एंड मिक्स दिस प्रॉपरली। पनीर को अच्छे से मिक्स कर ले। सो ये पनीर का मिक्सचर या पनीर कीमा रेडी है। मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ एंड आई आल्सो एडेड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑर्डियर, तो पनीर के हिसाब से बाकी का सॉल्ट ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसे हल्का ठंडा कर लेते। पाव अच्छे से बेक होके क्रिस्प हो गए हैं और मैंने इसे 2-3 मिनट दूसरी साइड से भी बेक कर लिया था। अगर आप चाहे, आपके पास अवन नहीं हो तो आप पैन या तवी पे भी इसे कड़क कर सकते हैं। जब आपको सर्व करना है तब आप ये पाव के ऊपर पनीर खीमा को अच्छे से स्प्रेड कर लें। सो अबाउट 2 टेबलस्पून जितना फिलिंग आप अच्छे से फिल कर लें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चीज़ टॉपिंग के लिए ग्रेट कर लेते हैं। चीज़ की टॉपिंग करने के बाद इसे हम वापस ओवन में रखेंगे एट 180 डिग्रीज जस्ट टिल द चीज़। जब तक चीज अवन में मेल्ट हो रही है उसकी गार्निश के लिए हम अनियंस को मैरिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 प्याज जिसे मैंने विंग्स की तरह काट लिया। अनियंस के ऊपर हम डालते हैं 2 पिंचेस ऑफ रेड चिली पाउडर या कोथमीर। मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसे स्क्वीज करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू का रस एंड 1 पिंच सॉल्ट। चीज मेल्ट हो चुकी है और मैंने अवन से पाव निकाल लिए हैं और अब हम इसे प्लेट करते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स या कोथमीर एंड दीज डिलिशियस पनीर कीमा पाव आर रेडी टू सर्व। आई एम श्योर ये मेरी सिंपल सी पनीर कीमा पाव की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज इसे ट्राई करें और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चल मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।